नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊंगा अयोध्या का इतिहास और राम जन्मभूमि का सच। जब बाबर दिल्ली की गति पर आसीन हुआ, उस समय राम जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी के अधिकार क्षेत्र में थी। महात्मा श्याम नंद जी की ख्याति सुनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या आया। महात्मा जी के शिष्य बनकर ख्वाजा कजल अब्बास ने योग और सिद्धियाँ प्राप्त कर ली और उनका नाम श्री महात्मा श्याम नंद के ख्याति प्राप्त शिष्य में लिया जाने लगा। यह सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा श्याम नंद के पास आया और उनका शिष्य बनकर सिद्धियाँ प्राप्त करने लगा। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसका एक ही लक्ष्य था कि हर जगह इस्लाम का आधिपत्य स्थापित करना। अतः जलाल शाह ने अपने काफिर गुरु के पीठ पर चूरा खोप कर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर ये विचार किया कि यदि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे जलाल शाह और ख्वाजा कजल अब्बास मूसा इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। सर्वप्रथम जलाल शाह ख्वाजा बाबर के विश्वास पात्र बने और दोनों ने अयोध्या को पूर्ण मक्का बनाने के लिए जन्मभूमि के आसपास की ज़मीनों में बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू किया और मीराबा की खां के माध्यम से बाबर को उत्साह कर मंदिर के विध्वंस का कार्यक्रम बनाया। श्याम नंद जी अपने मुस्लिम शिष्य की करतूत देख के बहुत दुखी हुए और अपने निर्णय पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से श्याम नंद जी ने रामलला की मूर्तियां सरायू में प्रवाहित किया और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अन्य सामान आदि हटा लिए और वे स्वयं मंदिर के द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जलाल शाह की आज्ञा के अनुसार उन चारों पुजारियों के सिर कटवा दिए गए। जिस समय मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय बीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण की यात्रा करने के लिए निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। राम भक्त वीरता के साथ लड़े 70 दिनों तक घोर संग्राम होता रहा और अंत में राजा मेहताब सिंह समेत सभी 1,74,000 राम भक्त मारे गए। श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई। इस भीषण कत्लेआम के बाद मीराबाकी ने तोप लगा के मंदिर गिरवा दिया। मंदिर के मसाले से ही मस्जिद का निर्माण हुआ। पानी की जगह मरे हुए हिंदुओं का रक्त इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार कलिंगम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें एक्ट के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीराबाकी ने अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ और उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगवाकर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बाराबाकी गजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बना के लखौरी ईंटों की नींव मस्जिद बनवाने के लिए उपयोग की गई। उसी समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनीथू नाम का एक गाँव के पंडित दिव्यदिन पांडे ने वहाँ के आसपास के गाँव सराय सिसिंदा राजपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया। दिव्यदिन पांडे ने सूर्यवंशी क्षत्रियों से कहा, भाइयों आप लोग मुझे अपना राजपुरोहित मानते हैं। आपके पूर्वज श्री राम थे और हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि को मुसलमान आक्रांता अवरों से पाट रहे हैं और खोद रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूल दर्शन बनकर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध करते करते वीरगति पाना ज्यादा उत्तम होगा। दिव्यदिन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के भीतर 10,000 क्षत्रिय इकट्ठा हो गए। दूर दूर के गाँवों से लोग समूह में इकट्ठा होकर दिव्यदिन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर जबरदस्त हवा बोल दिया। शाही सेना ने लगातार 5 दिनों तक युद्ध किया। 6ठे दिन मीराबागी का सामना दिव्यदिन पांडे से हुआ। उसी समय धोखे से उसके अंग रक्षक ने एक लकौरी ईंट से पांडे जी की खोपड़ी पर वार कर दिया। दिव्यदिन पांडे का सर बुरी तरह से फट गया, मगर उस वीर ने अपनी पगड़ी से खोपड़ी बांध दी और तलवार से उस कायर अंग रक्षक का सर काट दिया। इसी बीच मीराबाकी ने छुपकर गोली चलाई जो पहले से ही घायल दिव्यदिन पांडे जी को लगी और वो जन्मभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ
मीरबाकी की विशाल और शस्त्र से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक युद्ध चला और महाराज जन्मभूमि की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो गए। जन्मभूमि में 25,000 हिंदुओं का रक्त फिर बहा। रानी जयराज कुमारी हंसवर के स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी थी। जन्मभूमि की रक्षा में महाराज वीरगति को प्राप्त करने के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। रानी ने नारियों की 3,000 सेना लेकर जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामारी युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना का प्रबंध करके जयराज कुमारी की सहायता की। साथ ही स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। इसमें उन्होंने 24,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया और रानी जयराज कुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 10 हमले जन्मभूमि के उद्धार के लिए किए। 10वें हमले में शाही सेना को काफ़ी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर रानी जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लेकिन लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने पूरी ताकत से शाही सेना फिर भेजी। इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ मारे गए और जन्मभूमि पर फिर मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एक बार फिर 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीरांगनाओं के रक्त से लाल हो गई। रानी जयराज कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद जी के बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचार्य जी ने अपने हाथों में ले लिया। स्वामी बलरामचार्य जी ने गांव में घूमकर राम भक्त हिंदू युवकों और सन्यासियों की एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रबंध किया और जन्मभूमि के उद्धार 20 बार आक्रमण किए। इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचार्य जी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर ये अधिकार अल्प समय के लिए ही रहता था। थोड़े दिन बाद शाही फौज आती थी और जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधीन हो जाती थी। जन्मभूमि में लाखों हिंदुओं बलिदान होते रहे। उस समय का मुगल शासक अकबर था। शाही सेना हर दिन के इन युद्धों में कमज़ोर हो रही थी, अतः अकबर ने बीरबल और तोदलमल के कहने पर खास की टाट से उस चबूतरे पर 6 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध करने के कारण स्वामी बलरामचार्य जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया और प्रयाग कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी तट पर स्वामी बलरामचार्य जी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बार बार के आक्रमणों और हिंदू जनमानस की रोष एवं हिंदुस्तान पर मुगलों की ढीली होती पकड़ से बचने का एक राजनीतिक प्रयास की अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि पर रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चला। फिर औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था और उसने समस्त भारत से काफिरों के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला था। औरंगजेब के समय में सम्राट गुरु श्री रामदास जी महाराज जी के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि के उद्धार 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में अयोध्या के आसपास के गाँव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें सराय के ठाकुर सरदार गजराज सिंह और राजेपुर के कुंवर भोपाल सिंह तथा सिसड्डा के ठाकुर जगदम्बा सिंह प्रमुख थे। ये सारे वीर ये जानते हुए भी कि उनकी सेना और हथियार बादशाही सेना के सामने कुछ भी नहीं है, अपने जीवन के आखिरी समय तक वे शाही सेना से लड़ते रहे। लंबे समय तक चले इन युद्धों से रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया और अयोध्या की धरती पर उनका रक्त बहता रहा। ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज आज भी सराय में मौजूद हैं। आज भी फैजाबाद जिले के आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रियो सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, जूता नहीं पहनते, छत्ता नहीं लगाते। उन्होंने अपने पूर्वजों के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छत्ता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेज दी थी। बाबा वैष्णवदास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इसे चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जाबाज खान ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई और उर्वशीकुंड नामक जगह पर जाबाज खान ने सेना से 7 दिनों तक भीषण युद्ध किया। चिमटाधारी साधुओं के चिमटे के मार से मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खान की पराजित सेना देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने जाबाज खान को हटाकर एक अन्य सिपासलार सैयद हसन अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा और साथ में ये आदेश दिया कि अब की बार जन्मभूमि को बर्बाद करके ही वापस आना है।
यह समय सन 1680 का था। बाबा वैष्णवदास जी ने सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में सहयोग के लिए पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। पत्र पाकर गुरु गोविंद सिंह सेना समेत तत्काल अयोध्या आ गए और ब्रह्मकुंड पर अपना डेरा डाला। ब्रह्मकुंड वही जगह जहाँ आजकल गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है। बाबा वैष्णवदास एवं सिखों के गुरु गोविंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि में कूद पड़े। इन वीरों के सुनियोजित हमलों से मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए और सैयद हसन अली भी युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिज्ञा से स्तब्ध रह गया और इस युद्ध के बाद 4 साल तक उसने अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। औरंगजेब ने सन 1664 में एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। इस भीषण हमले में शाही फौज ने लगभग 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी, नागरिकों तक नहीं छोड़ा। जन्मभूमि हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। जन्मभूमि के अंदर नवकोण के एक कंदर कूप नाम का कुआं था। सभी मारे गए हिंदुओं की लाशें मुगलों ने उसमें फेंक कर चारों ओर चारदीवारी उठाकर उसे घेर लिया। आज भी कंदर कूप गज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है और जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर स्थित है। शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा खोद डाला। बहुत दिनों तक वो चबूतरा गड्ढे के रूप में वहां स्थित रहा। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारी के मारे हिंदू जनता अब इस गड्ढे पर ही श्री रामनवमी के दिन भक्ति भाव से अक्षत पुष्प और जल चढ़ाती रहती थी। नवाब सादत अली के समय 1763 में जन्मभूमि के रक्षा अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरपुर के राजकुमार सिंह के नेतृत्व में बाबरी ढांचे पर पुनः 5 आक्रमण किए गए, जिसमें हर बार हिंदुओं की लाशें अयोध्या में गिरती रही। लखनऊ गजेटियर में कर्नल हंट लिखते हैं, लगातार हिंदुओं के हमले से उबकर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नमाज पढ़ने और भजन करने की इजाज़त दे दी, लेकिन कट्टर मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को जमीन नहीं सौंपी। लखनऊ गजेटियर पृष्ठ 62, नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरी के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ। 8वें दिन हिंदुओं की शक्ति क्षीण होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों की लाश का ढेर लग गया। इस संग्राम में बीटी, हंसवर, मखेरी, खजुरहट, दियारा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारते हुए हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना के चिथड़े उड़ गए और उसे रोंगते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। मगर हर बार की तरह कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों हिंदुओं को मार डाला। जन्मभूमि में हिंदुओं का रक्त प्रवाहित होने लगा। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उदार्त आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कालिंगम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। क्रोधित हिंदुओं की भीड़ ने कब्रें तोड़फोड़ कर बर्बाद कर डाली, मस्जिदों को मिसमार करने लगे और पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार कर अयोध्या से खदेड़ना शुरू किया। मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुँचाई। अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। इतिहासकार कलिंगम लिखते हैं कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खास की टाट से छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। कुछ जिहादी मौलाओं को बात स्वीकार नहीं हुई और कालांतर में जन्मभूमि फिर हिंदुओं के हाथों से निकल गई। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचंद्र दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, पर 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये पेड़ भी देशभक्तों एवं राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तब उन्होंने उस पेड़ को कटवा कर इस आखिरी निशाने को भी मिटा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण राम जन्मभूमि के उद्धार का ये एकमात्र प्रयास विफल हो गया। अंतिम बलिदान 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने वोट बैंक के लालची मुलायम सिंह यादव के द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया।
और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी।